अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको ब्रांडेड कपड़ों पे जो बटन लगे होते हैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो आप लोग जो है कोई भी कवर ले लें किसी भी डब्बी का, उसको आप सर्कल बनाएं उसका, जैसे मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है कि सीज़र की मदद से आप लोगों ने ऐसे ही काट लेना है जैसे मैं आप लोगों के सामने काट रही हूँ। ऐसे सर्कल में काटते जाना है आप लोगों ने, और ध्यान से काटिएगा जहाँ पे हम लोगों ने निशान लगाया है, सिर्फ उसी के ऊपर रख के आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से काट लेना है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें। मेरी और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उसको भी फुल वॉच करें। अब आप लोगों के सामने मैंने इस सर्कल को काट लिया है। अब सर्कल को काटने के बाद जो इसका शाइनिंग वाला पार्ट है वो हम लोगों ने नीचे रखना है, और इसके ऊपर अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रेस की मदद से इसको बिठा लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाए। अब प्रेस की मदद से इसको बिठाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सीज़र की मदद से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के और बाकी सारे फैब्रिक को आप लोगों ने काट लेना है, ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों के सामने काट रही हूँ। ऐसे एहतियात से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के, ताकि वो जब हम लोग उसको फोल्ड करें तो फोल्डिंग के लिए हमारे पास फैब्रिक रह जाए। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं काट रही हूँ। काटने के बाद मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास ऐसे सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब हम लोगों ने इसकी साइडों को क्या करना है, पहले तो उसको प्रेस की मदद से फोल्ड कर लें, और उसके सेंटर में एक हम लोगों ने उसको पार्ट बना लेना है। जैसे दो पार्ट बना लिए, अब नीडल में थ्रेड डाल के उसको इसके अंदर से गुजारना है, और गुजारने के बाद आप लोग कोई ग्लू ले लें। ये मैंने शॉप ग्लू यूज़ कर ले रही हूँ आप लोगों के सामने। ग्लू की मदद से आप लोग इसकी साइडों पे अच्छी तरह ग्लू लगाएं, और ग्लू लगाने के बाद आप लोग इसको अच्छी तरह चिपका दें ताकि वो आप अच्छी तरह चिपक जाएगा और उसकी जो साइड्स हैं वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएंगी। अच्छी तरह से आप लोगों ने साइडों पर ग्लू लगा लेना है, और ग्लू लगाने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ऊपर से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने फिर अगला प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ये अच्छी तरह आप लोगों ने ग्लू लगाते जाना है इसकी साइडों पे सारी। ग्लू लगाने के बाद ये देखिए, ग्लू लगाने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से बिठा लेना है। ऐसे बिठाने के बाद आप लोगों ने ऐसे ऐसे इसको अच्छी तरह, ये देखिए हमारे पास सर्कल बन के रेडी हो गया है। सर्कल बन गया हमारा। सर्कल बनाने के बाद ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह चिपका लिया आपस में। ये देखिए अच्छी तरह चिपक गया है और सर्कल सा बन गया। आप लोगों ने क्या करना है कि कोई सा भी थ्रेड ले लेना है, जिस आपने जिस तरह का बटन बनाना है। मैंने वो दो कलर में बनाना था इसलिए मैंने वो थ्रेड जो है वाइट कलर में यूज़ किया है। अब जैसे हम लोग टसल्स बनाते हैं, टसल्स बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे टसल्स बनाते हैं। ऐसे टसल्स बनाने के अंदाज़ में आप लोगों ने थ्रेड अपनी फिंगर्स पे लपेटते जाना है। फिंगर्स पे लपेटने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है कि ज़्यादा ज़रा थ्रेड लपेटें, क्योंकि वो हम लोगों ने अंदर उसको रखना है। तो इसलिए थ्रेड लपेटने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सीज़र की मदद से उसको काट के, सीज़र की मदद से आप लोगों ने इसको काट लेना है। काटने के बाद आप लोगों ने इसको इसके दो पार्ट कर लेने हैं। ये जो मैंने टसल्स बनाया हुआ है इसका फिंगर से उतार लें। फिंगर से उतारने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे इसको कटिंग कर लेना है, ऐसे जैसे हम टसल्स की कटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने फिर उसको अगेन सेंटर से उसकी कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर जो हमारे पास ये एक रह गया है, इसको हमने मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ऐसे या तो हम ऐसे फोल्ड कर लें, या आप सीधा रख के भी इसको कटिंग कर सकते हैं, फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग ऐसे सीधा रख के उसको सेंटर में ऐसे आप लोग कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है वो हमारा टसल जो हमने बनाया है वो ऐसे रखते जाना है उसके अंदर। ऐसे थोड़ा सा पहले ये रख लेना है, उसके बाद आप लोगों ने फिर सारा थ्रेड जो है जो मैंने टसल्स के लिए टसल्स की तरह बनाया था वो सारा ऐसे रखते जाना है। उसके साथ साथ ऐसे
और आप लोग इसको भी एक हिस्से में डिवाइड करें और ये भी ऐसे इसको अंदर रख लें। ऐसे अंदर रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसको ऊपर से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ऐसे रखने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे अच्छे तरीके से ऊपर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि स्टिच लगा लेना है इधर, ऐसे वो सर्कल में रख के इधर से ऐसे सारा आप लोगों ने स्टिच रख के लगा लेना है मशीन की मदद से। स्टिच लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, इसको ऐसे अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। स्टिच लगा लिया मैंने। स्टिच लगाने के बाद आप लोगों ने जो ऐसे स्टिच लगा देना है सर्कल में, और स्टिच लगाने के बाद आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा हमारे पास वो थ्रेड होगा यानी कि उसको आप लोगों ने सेम काट के एक जैसा कर लेना है। एक जैसा करने के बाद आप लोगों ने कोई पर्ल ले लेना है। पर लेने के बाद उसको उसके अंदर गुजारना है, और गुजारने के बाद आप लोग अगर चाहें तो अपने बटनों की जगह यूज़ करें और टसल्स की जगह यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छा टसल्स बन के तैयार हो गया है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त।